आप एक देख पा रहे हैं गाड़ी आज हमारे पास आई है हीरो होंडा सी डॉन, और इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है हम आपको दिखाएंगे। जी प्यारे दोस्तों, ये देखिए यहाँ क्लच रोड के पास में कितनी ज़्यादा गंदगी है, और यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है। हम आपको सही करके दिखाएंगे और क्या चीज़ ख़राब है इसके अंदर। जी प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल काजी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो शुरू करते हैं, हम पहले इसका किक खोल लेते हैं, किक को बाहर निकालेंगे, फिर हम इसका ये क्लच कवर खोलेंगे। जी हम इसका क्लच कवर खोल लेते हैं, सारे बोल्ट लगे हुए हैं, सारे बोल्ट बढ़िया तरीके से खोल लेते हैं इसके हम। फिर हम आपको दिखाएंगे कौन सा पार्ट्स बेकार है, क्यों और लीक हो रहा है। जी दोस्तों, आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऑयल निकल रहा है। देखिए हमने इसका क्लच कवर खोल लिया है, अब हम आपको दिखाएंगे कहाँ प्रॉब्लम है। ये देखिए क्लच रॉड है, और देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी यहाँ पर, ऑयल कितना इकट्ठा हो गया जमा। जी देखिए हम इसको इसका स्प्रिंग निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे क्या चीज़ बेकार है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये देखिए कितनी ज़्यादा ये क्लच रॉड हमारी कट चुकी है। इस यही वजह थी कि ऊपर को ऑयल फेंक रहा था, लीकेज हो रही थी, और हमारे पास ये नई है, हम ये नई रॉड डालेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे फिट करके। ये देखिए नई रॉड है हमारे पास, बढ़िया। चलिए हम इसको फिट कर लेते हैं। जी प्यारे दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में अगर कोई दिक्कत आए इस तरीके से ऑयल लीकेज हो तो आप इस क्लच कवर को खुलवाएं और फिर देखें कहीं आपकी ये रॉड तो कटी हुई नहीं है। अगर रॉड कटी हुई तो आप इसको चेंज करा दें, आपकी गाड़ी की लीकेज ठीक हो जाएगी। जी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर रोज़ हम ऐसे ही बाइक की नई से नई वीडियो दे सकें। जी दोस्तों, चलिए हम इसके यहाँ पर क्लच कवर पर हल्का सा ये रेसी बोर्ड लगा लेते हैं, फिर क्लच पैकिंग नया डालेंगे, क्योंकि क्लच पैकिंग हमारा फट चुका था, हम क्लच पैकिंग नया डालेंगे ताकि हमारा ऑयल लीकेज ना हो क्लच कवर से। ये देखिए हम नया का पैकिंग लगा लेते हैं, क्लच कवर फिट करेंगे। जी हमारे सारे बोल्ट अब टाइट हो चुके हैं, और हम इसकी ये किक सील भी डाल देते हैं, किक सील भी बेकार थी, यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था, हम इस तरीके से इसको ठोक देते हैं बढ़िया तरीके से। जी देखिए आप, मैं सही तरीके से किक सील लगा दी, किक को फिट कर देते हैं। जी प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल काजी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जी दोस्तों।